कोई अता पता नहीं है, अलग ही रास्ते में चली गई। पुनीत को कॉल करती हूँ, वो भी पहुंच। ये क्या हो गया? बाइट तो नहीं करा, आप उनके ओनर्स को सू कर सकते। Welcome back to my channel Sand Stories. I hope you all are doing good. First of all, wishing you all a very very happy Rakhi. I hope आप लोगों ने अच्छे से celebrate करी होगी Rakhi. मेरी तो virtual Rakhi थी second time. But कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। यहाँ पर एक cafe है बहुत अच्छा मेरे घर के पास, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ का hot chocolate, कुछ desserts बहुत tasty हैं उसके। And secondly, I want to congratulate you all. क्योंकि चंद्रयान मून में पहुंच गया यार, एंड आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। इतनी प्राउड वाली फीलिंग है ना यार, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बट जब भी आपकी कंट्री कुछ अचीव करती है ना, तो अलग ही फीलिंग होती है। तो यहाँ पे कैनेडा में अर्ली मॉर्निंग हो रही थी उस टाइम, तो मैं सुबह सुबह उठ के मैं अपनी बैठ के देख रहे थे, एंड वी वर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। गूज़बम्स वाली फीलिंग थी यार। एंड आई थिंक इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसकी सैटेलाइट ने साउथ पोल साइड ऑफ द मून में लैंड करा है। पहुंच गई हूँ कैफे, पुनीत को कॉल करती हूँ, वो भी पहुंचने वाला है। पुनीत को आने में थोड़ा टाइम है अभी, तो मैं यहाँ पर एक पार्क है वहाँ पर आकर बैठ गई हूँ। अगस्त एंड होने वाला है और बेसिकली ऑफिशियली ये लास्ट वीक है समर्स का यहाँ पे, एंड एक्चुअली आई कैन प्रैक्टिकली फील दैट कुछ 15-16 डिग्रीज है। तो आई डोंट नो आने वाले टाइम में विंटर्स में क्या हाल होने वाला है इस टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर तो जैसे तैसे करके निकाल ली। टू ऑल दोस्त जिनकी फर्स्ट विंटर्स होने वाली है, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। अच्छे से अपनी विंटर वेयर खरीद के रख लो, बूट्स जैकेट्स। मेरी बूट्स और जैकेट्स वाली एक वीडियो भी है जो मैंने डाली थी जब मैं फर्स्ट टाइम परचेज करने गई थी, कौन से ब्रांड के लिए डिस्काउंट्स कितने मिले, तो गो एंड चेक दैट आउट। गाइज ऑर्डर आ गए हैं यहाँ पे, तो ये हॉट चॉकलेट है, मैं ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ बटर टार्ट, आई डोंट नो कैसा होगा। साथ में कुछ सेवरी में लिया, सो दिस इज पेस्टो चिकन सैंडविच, वेजिटेरियन सैंडविच जो मैं खाने वाली हूँ। अभी इंडिया में इसको देखेंगे ना तो इसको बर्गर, मैकडॉनल्ड्स वाला लोग इसको बर्गर बोलेंगे, बट तो यहाँ पर बेसिकली ये बर्गर नहीं है, ये सैंडविच है। तो ये हमें भी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, मैं तो अभी भी बर्गर बोलती हूँ। और मैं बोलने वाली थी ये वैसा नहीं लग रहा एग मफिन जो मैकडॉनल्ड्स में मिलता है। मैंने मैकडॉनल्ड्स में जो ऑर्डर किया बर्गर को बोलता देखा तो क्या हो गया। मैं वहाँ पर कॉफी लेने गई थी गाइज, और वहाँ पर वो डॉग जो बैठा हुआ था उधर, तुमने देखा तो वहाँ पर एक डॉग, डॉग तो बंधा हुआ था। अरे बंधा हुआ था, बट उसका मतलब इतना था वो कि क्या बोलते हैं उसको चाहिए कि वो आ गया, तो मैं अचानक से मतलब मेरे को भी लगा ना बंदा हुआ नहीं आएगा, तो मैं डर गई। देखो पता है हाउ मच आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, तो मैं डर गई, मैं डर के स्लिप हो गई, पैर ट्विस्ट होकर गिर गई वहाँ पे। तो एक तो तब मेरे को हंसी भी आ रही है, लोग देख रहे थे, ऊपर से मेरे को रोना आ रहा है, दर्द हो रही है। वो लगा लेना वो वॉलिनी स्प्रे, वॉलिनी नहीं पड़ी है घर पे लास्ट टाइम तुम्हें जब हुआ था। तो गाइस यहाँ पर एक तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ना ड्रग स्टोर में आप दवाई लेने जाओ, दवाई क्या मतलब कि वॉलिनी लेने गई थी मैं लास्ट टाइम पुनीत के लिए, तो मैं लेने गई तो उस बंदे वहाँ पर वॉलिनी स्प्रे मेरे को मिली नहीं, कोई स्प्रे ही नहीं थी। तो उसने कहा जस्ट एक पेन किलर, अभी पेन किलर लेनी है तुम तो घर पर बड़ी पेन किलर ले लेंगे, पेन किलर नहीं लेंगे तब तो स्प्रे ले रहे हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिले, और पेन किलर नहीं खानी थी। तो मैंने उसको बोला ड्रग स्टोर में, तो मैंने उसको बोला कि एक आइस पैक या कुछ था वहाँ पे आइस रिलीफ, तो मैंने कहा शुड आई टेक दिस बिकॉज आई डोंट वांट पेन किलर, आई ऑलरेडी हैव वन एट माय होम। तो उसने बोला कि दिस इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि इसकी जगह तो आप घर पे वो आइस पैक या आइस होगा आपके पास घर पे तो वो लगा लो, एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन। तो कोई स्प्रे मिली नहीं मेरे को यहाँ पे, और मतलब कि जो दर्द है वो सहो बैठ के। मैं उल्टी खड़ी हूँ पीछे से आकर ऐसे। गाइज यहाँ पर आप कुत्तों को कुछ बोल भी नहीं सकते हो, यहाँ पर ना कुत्ते कुत्ते नहीं होते, डॉग्स आर लाइक बेबीज़ हैं।
ये देखो ये दिखाना। इंडिया में अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाओगे तो बेबी की बैठने की चेयर होती है ना, वैसे यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये लाइन से चार स्टूल्स पड़े हैं, इसके अंदर डॉग के खाने का कंटेनर है। सो आप यहाँ रेस्टोरेंट से खाना लो या जो भी आपको लेना है लो, ये अपनी टेबल के साथ रख लो और उसमें आप खाना डाल दो, डॉग्स कैन कम एंड ईट, सिट एंड ईट विद यू। यहाँ पर ना एक और चीज़ है, और मैंने एक इंसिडेंट एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में ही हुआ था। तो यहाँ पर जो पेट्स होते हैं और जो उनके ओनर होते हैं ना, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पेट डॉग्स या कैट्स या जो भी हैं, और अगर वो अटैक कर देते हैं ना किसी को भी, तो उसके बाद आप उनके ओनर्स को सू कर सकते हो। अगर इफ देर आर सम माइनर स्क्रैचेस तो कुछ नहीं होगा, बट अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई आपको कि सपोज आप ऑफिस नहीं जा पाए 3-4 दिन, या आपको मेजर इंजरी हो गई, या फिर कुछ भी हुआ, तो आप सॉलिड फटका लगा सकते हो, फाइन लगा सकते हो। और ये भी होता है कि काफ़ी लोग इसको भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं, जैसे अगर मेरे पास कुत्ता है तो मैं इसका इंश्योरेंस करा के रखूँगा, मेरे कुत्ते ने किसी को काट लिया तो मैं इसकी इंश्योरेंस करा के रखूँगा, सो दैट माय इंश्योरेंस विल डील फॉर वट एवर डैमेजेस इट विल हैपन। और ये भी है कि कई बार लोग मेकअप भी करते हैं, जैसे आई रिमेंबर समबडी इन माई बिल्डिंग वॉज टेलिंग मी कि उसको, उस कुत्ते ने एक लेडी को काट लिया था, ज़्यादा इंजरी नहीं थी, थोड़ा बहुत ही था, तो उसने थोड़े बहुत पैसे देके उसको सेटल किया, बट उसके बाद उस लेडी ने बोला कि मुझे रात को पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक होते हैं और मैं सो नहीं पाती हूँ। और फिर एक लॉयर का फ़ोन आया और उसने केस रेज किया, देन ही रीच आउट टू हिज इंश्योरेंस कंपनी एंड देन उन्होंने सेटल किया। मिस यूज ही है और क्या, बट इसकी मतलब वैसे तो गवर्नमेंट ने तो ये अच्छे के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे दे आर एनिमल्स, एंड आई फील कि यार ठीक है, अगर मैं भी पेट रखूँगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समबडी हु इज केयर्ड ऑफ डॉग्स या कैट्स या एक्स वाई ज़ेड एनिमल, और वो मेरा पेट है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं थोड़ा टेक केयर करूँ, है ना। पता नहीं मैं चल पाऊँगी, बाहर इतनी हवा चल रही है। एनी वेज गाइज, दैट वॉज माई सैड स्टोरी। आज एक और स्पेशल चीज़ होने वाली है रात को, दैट इज़ आज रात को सुपर मून दिखने वाला है। अभी लेट्स सी इफ आई एम लकी, मैं देख पाऊंगी। अब मतलब मेरे को पहले पता नहीं था कि यार सुपर मून क्या होता है, तो मैंने जब पढ़ा मेरे को पता चला कि बेसिकली मून अपेयर्स क्लोजर टू अर्थ, इसलिए वो साइज में ना बड़ा दिखेगा जो जनरली दिखता है उससे। गाइज, रात के 9 बजे मैं सुपर मून की तलाश में निकल आई हूँ। अजीब सा लग रहा है, क्लाउडी सा, आई डोंट नो, वो देख सकते हो, दैट्स वो सीएन टावर है वहाँ पे। कोई अता पता नहीं है सुपर मून का, जैसे करवा चौथ पे होता है कि मून भाव खाता है, एटीट्यूड दिखाता है, वैसे ही आज के दिन सुपर मून नहीं दिख रहा है, एंड आई एम वेरी अपसेट। सो मेरे को चलते चलते एक और बात आई, एक्चुअली इतनी गुड न्यूज़ और इतनी सेलिब्रेशंस हो गई, इतना अच्छा अच्छा सब शेयर कर दिया, तो मुझे ना एक और चीज़ याद आई जो कल मेरे साथ हुई थी, और मैं एक्चुअली इतनी स्ट्रेस आउट हो गई थी वो जो चीज़ हुई। सो गाइज, मैं घर वापस आ गई हूँ और थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट हो गया है, क्योंकि ये चौथी बार है कि मैं सेम बात कर रही हूँ वापस से रिकॉर्ड, क्योंकि एक बार मैंने बाहर करने की कोशिश करी, लेकिन बाहर तो चलो हवा बहुत तेज चल रही थी, बहुत विंडी था और ठंड इतनी हो गई थी कि रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था आवाज़ ढंग से, तो मैंने सोचा घर आके करती हूँ। घर आके मैंने ऑलरेडी 2 बार करने की कोशिश, नहीं एक्चुअली चौथी बार कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार करा तो कैमरा ऑफ था, तो उसके बाद थर्ड टाइम जब मैंने करा तो ये खुद से बंद हो गया, मैंने देखा तो पता चला कि बैटरी खत्म हो गई है, तो मैं बोलते जा रही हूँ यहाँ पे और ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। फोर्थ टाइम बैटरी चेंज करी एंड उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रही थी, पूरा आई थिंक 7-8 मिनट का मोनोलॉग हो गया मेरा, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने कहा चलो चेक करती हूँ, देखा तो माइक ही नहीं ऑन था, माइक की वायर हिली हुई थी, आवाज ऐसे एको हो रही है, रिपीट हो रही है, तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, चौथी बार बोलना पड़ रहा है यार। शेयर नहीं कर पाई अभी तक, अब चौथी बार है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और जो हुआ वो कनाडा में मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ है। और तो बेसिकली क्या हुआ, कल मुझे करनी थी लॉन्ड्री एंड मुझे कहीं जाना भी था, तो मैंने सोचा कि यार जाने से पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े डाल देती हूँ, जब तक मैं वापस आऊंगी तो मैं हो जाएगा, वो मशीन चल जाएगी, हो जाएगा, धुल जाएंगे कपड़े, आकर मैं ड्रायर में डाल दूंगी, डिटर्जेंट ये वो सब कुछ डाला, ऑन करी एंड देन मैंने चेंज वेंज करा एंड आई वेंट फॉर माय वर्क। जब मैं दोपहर में वापस आई, मैंने खाना वाना खाया, थोड़ा सा बैठी, उसके बाद मैंने कहा यार काम खत्म करती हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए उसको ड्रायर में डाल देती हूँ क्योंकि लॉन्ड्री चाहिए। तो मैं उठी, मैं गई वॉशिंग मशीन, खोली मैंने और देखा कि कपड़े वैसे के वैसे पड़े हुए, साथ में पानी, इतना ज़्यादा पानी है उसमें, तो मेरे को समझ नहीं आया यार, मैंने कहा ये क्या हो गया, और पानी भी ऐसा
पानी भी ऐसा नहीं कि क्लीन वाटर है उसमें, वो ग्रेश ब्लू कलर का पानी था, तो हो सकता है किसी कपड़े का कुछ कलर वाला छूट गया जो भी है। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय सेल्फ एंड थिंकिंग, हाँ मैंने मतलब मैंने बटन प्रेस करा था नहीं करा था, या ऐसे तो नहीं मैंने कोई और बटन दबा दिया उसे पानी आ गया, आगे का प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो मैं वही 5 मिनट में खड़े होकर वही सोची जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार मशीन चलाई तो थी मैंने, ठीक है इतनी भी वो नहीं हो सकती, मैं एब्सेंट माइंडेड किया और मशीन ही नहीं चलाई और चली गई ऐसे, पानी तो आया ही ना अंदर। तो उसके बाद मैंने कहा चल फिर से कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, जो टाइम वेस्ट हुआ सो हुआ। तो मैंने वापस से बटन दबाया, ठीक है, तो उसके बाद वापस से पानी आना शुरू हो गया, तो मैंने कहा चल चल जाए क्या। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा जाके चेक कर दूँ। तो मैं चेक करने आई तो देखा वापस से पानी, तो पानी का लेवल और बढ़ गया लेकिन मशीन स्पिन नहीं हो रही है, पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, कपड़े धुल ही नहीं रहे। तो मैं अब यार ये सारी चीज़ें तो आप सीख कर आते नहीं हो कि मशीन है, वॉशिंग मशीन कैसे ठीक करनी है, क्या करना है, तो मैं अपने हिसाब से बस ऐसे होता है ना बटन ये दबाया वो दबाया देखते हैं या हो सकता हो जाए हो जाए हो जाए, तो मैं कुछ ना कुछ बटन दबा के चेक कर रही थी, क्योंकि इतने कपड़े थे यार, बेड कवर्स थे, शर्ट्स टी शर्ट्स टॉवल्स थे, तो मैंने कहा यार ये कैसे धोऊंगी, और ऊपर से हमारे पास ना तो घर में कोई सामान था जिसे मैं कपड़े हाथ से धो सकूं। फिर आई कॉल्ड पुनीत कि यार ऐसे से हो गया, तो फिर पुनीत ने कहा मेल ड्रॉप कर देते हैं रियल्टर को, तो मैंने फटाफट ईमेल कर दिया रियल्टर को अपने। हमारा जो घर है, हमारा जो लीज है, उसमें ये अच्छी बात है कि हमें हमारे लैंडलॉर्ड के साइड से ना इस घर की जो भी मेंटेनेंस है या कुछ भी इश्यूज आते हैं ना इसमें, कोई भी मशीन खराब होती है कुछ होती है, तो दैट विल बी टेकन केयर बाय द रियल्टर, सो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर हमारी कोई गलती की वजह से मशीन में मेजर फॉल्ट आ जाता है और खराब हो जाती है, तो उसके पैसे हमें देना पड़ेंगे, वो उसमें कुछ नहीं करेंगे फिर। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉशिंग मशीन मेरी गलती की वजह से खराब होती है कि अगर उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज डाल दी जैसे कॉइन चला गया उसके अंदर जिसकी वजह से वो चल नहीं रही है, या ऐसे कोई और एक्सवाईजी चीज चली गई जिसकी वजह से वो नहीं, तो देन आई हैव टू पे फॉर दैट। अदरवाइज अगर नॉर्मल चलते चलते बंद हो गई ऐसे कुछ भी माइनर सा इशू है तो देन ही बी द रियलिटी वुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट, सो दैट्स अ गुड थिंग। और ये आप लोग अपने लीज एग्रीमेंट में भी इंक्लूड करा सकते हो। तो ईमेल कर दिया हमने उसको, ठीक है, एंड देन थोड़ी देर बाद वी गॉट अ कॉल बैक, एंड थैंकफुली जो हमारा रियल्टर है ही इज एन इंडियन और बहुत ही अच्छे हैं वो। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई उनको एंड ही सेड ही ट्राई टू हेल्प अस आउट, क्योंकि जरूरी मतलब ही सेड कि पता नहीं वो जो द गाय हु टेक्स केयर ऑफ द मेंटेनेंस इन दिस बिल्डिंग, वो देखना पड़ेगा कि वो इस एरिया में है या नहीं, या किसी और एरिया में इस टाइम पे, और अगर इधर होगा इस लोकेशन में है आसपास तो ठीक है वो आज आ जाएंगे, नहीं तो हो सकता कल या परसों डिपेंडिंग ऑन द टाइम तभी वो आ पाएंगे। तो ये एक और यार मुझे वो हो गया कि यार तब तक कपड़ों का क्या करूं मैं, कपड़े तो अब बकेट भी नहीं थी, मैंने अपना एक बास्केट है जिसके अंदर मैं साफ सुथरे कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ, तो उसको खाली करा फटाफट, उसमें कपड़े निचोड़ के डाले मैंने फॉर द टाइम बीइंग। अब मैंने कहा यार कपड़े कितने दिन रखूंगी ऐसे और हाथ से कैसे धोऊंगी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर इसी स्ट्रेस में 2-2.5 घंटे निकल गए, एंड उसके बाद फाइनली जाके रियल्टर का कॉल आया, एंड ही सेड कि वो जो बंदा है ही इज नियर बाय योर बिल्डिंग, ही इज नियर बाय योर कॉन्डो, एंड वो उनको नंबर दे दिया हमारा और वो शायद आधे घंटे में आ जाएगा आपके कॉन्डो में। तो कुछ आधे घंटे में वो आ गए, एंड द गाय वॉज रियली गुड, मतलब मैं तो उनको अंकल कहकर ही एड्रेस कर रही थी, क्योंकि ही वो 65 ईयर ओल्ड एंड ही वॉज एन इंडियन गुजराती थे वो, और काफी टाइम से काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, काफी बातें भी हुई हमारी और हमने चाय पे बैठ के चर्चा भी करी, क्योंकि उन्होंने कहा उनको चाय पीने का मन है, तो मैंने चाय बनाई एंड देन चाय पे बैठ के थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी करी उन्होंने बताया, तो ही वाज अ गुड मैन गुड पर्सन। तो उसके बाद उन्होंने मशीन जब चेक करी, पहले तो पानी ड्रेन आउट करा पूरा, उसमें थोड़ा टाइम लगा वो करा, उसके बाद पता चला कि प्रॉब्लम क्या हुई थी मशीन में, तो जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे सॉक्स अंडरगार्मेंट्स, तो वो ना कई बार मशीन के ऊपर स्पेस होती है वहां पे जाके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मशीन स्पिन करना बंद कर देती है और पानी ड्रेन आउट नहीं होता है। तो अब ये सब चीजें तो हमें पता नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सारी सॉक्स निकाली एंड उसके बाद जाके जब उन्होंने क्लीन करा, सॉक्स निकाली, बंद करी मशीन, एंड उसके बाद वो स्टार्ट होगी चलने लगी। तो मतलब ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं था, बट उन्होंने काफी ज्यादा टिप्स दी हमें कि कैसे मेंटेन रखना है मशीन को। बिल्कुल आप साफ रखिए। हाँ जी, ये हमेशा आप साफ करेंगे ना, इसका अगर हो सकता है तो इधर अंदर कुछ कितने मत देना। अच्छा, लेकिन इसको निकाल के भी क्लीन कर ले। हाँ जी, इसको क्लीन करिया करो। ओके, और एक बात है, ये तो आप अगर ये साफ करेंगे तो ये 4-5 महीने के बाद आपको क्लीन करना पड़ेगा। जब ड्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा डोर ओपन रखना। हाँ जी, ड्रायर के टाइम पे खास करके, क्योंकि इतनी तो फ्रेश एयर। ओके, और बाकी जब वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो सॉक्स के लिए आपने कहा ना, वो सॉक्स नेट आता है, सॉक्स बैग आता है, तो वो यूज करना है फॉर ऑल दी स्मॉल आइटम्स। हाँ जी, ठीक। आई नो इट्स नॉट अ बिग थिंग, मतलब कई लोगों को ऐसे लग रहा होगा यार वॉशिंग मशीन ही तो खराब हुई है, ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, बट यू नो ये चीज अगर मेरे साथ इंडिया में हुई होती ना तो मैं बहुत ही चिल्ड आउट होती, क्योंकि यार वहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही जाता, एक बंदे को नहीं, दो बंदे को नहीं, मतलब 3-4 लोग को कॉल करोगे कोई ना कोई तो आ जाएगा ठीक करने के लिए, बट यहाँ पे सब कुछ खुद से करना है, काम भी है, घर का भी देखना है, तो मतलब बड़ा वो अचानक से ना ऐसे एंजाइटी स्ट्रेस हो गया मुझे।
फाइनली जाके अंकल आए, मशीन ठीक हो गई. पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पैसों का कुछ ज्यादा, मतलब पैसों का कुछ फटका नहीं लगा, क्योंकि ऐसी कोई मेजर फॉल्ट थी नहीं, कोई भी पार्ट वार्ट चेंज करने की जरूरत नहीं थी, एंड इसलिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा. नहीं तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी हैंडीमैन को बुलाना होता है, मेंटेनेंस गाय को, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर है किसी को, तो कुछ कितना है, $150 फॉर भाई सॉलिड, मतलब $150 पर विजिट. और ये तो विजिट के पैसे, इसके बाद अगर कुछ भी पार्ट चेंज करना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो सेपरेट है ना. तो $150 ऑन एन एवरेज खर्चा है, और उसके ऊपर कुछ भी पार्ट वार्ट जो खराब होगा वो खर्चा है. तो मतलब पूरा आपका यार सैलरी में से सब कुछ मंथली खर्चा वर्चा सब हिल जाता है अगर. तो इसलिए प्लीज ये जो टिप्स हैं ये ध्यान में रखो, सो दैट आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना फेस हो. हाँ ठीक है, एक्सपीरियंसेस होते रहने चाहिए, तभी यू नो यू लर्न थिंग्स. बट इसमें क्या लर्निंग है मुझे समझ नहीं आ रहा. मशीन ठीक करनी तो अभी भी नहीं आती है. आज मेरा दिन जितना ही अच्छा अच्छा जा रहा था, सेलिब्रेट कर रही थी, खुश कर रही थी, कल उतना ही मेरा दिन स्ट्रेसफुल गया है. बट ठीक है, चलो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कपड़े मैंने धो लिए एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ. इफ यू लाइक माय टुडेज वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.